नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए अंक 4 के जो पशुपालन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है दोस्तों। तो हम अंक 4 के देखेंगे पशुपालन के क्लास 12th के, यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और सेकेंड आएंगे, तो उसको जरूर देखें, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है प्रश्न, स्वस्थ पशुओं के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो जो स्वस्थ पशु होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं, तो हमें लिखना है। 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है 2021 के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा है बीमार पशुओं के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर पहला था स्वस्थ पशुओं के प्रमुख लक्षण और दूसरा है बीमार पशुओं के लक्षण लिखिए, तो कोई 4 लक्षण लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा है पशुओं के बीमार होने के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो जो पशु बीमार होते हैं तो किस कारण बीमार होते हैं, प्रमुख लक्षण लिखिए जब बीमार होते हैं, तो 4 लक्षण इसमें भी लिखने हैं आपको, प्रश्न क्रमांक 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 4 है, पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु 4 प्रमुख उपाय लिखिए। तो जो बीमारी पशु बीमार होते हैं, अगर वो बीमारी से हमें बचाना है तो कोई 4 प्रमुख उपाय बताने हैं आपको अंक 4 के लिए, इसलिए 4 ही आपको बताने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां है, पशु प्लेग बीमारी के कोई 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। जो पशु प्लेग बीमारी होती है उसके कोई 4 लक्षण लिखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। कितने? 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 10 बताऊंगा पार्ट 2 में, 10 बताऊंगा और पार्ट 3 में 10 बताऊंगा। तो इस प्रकार हमारे कुल कितने हो जाएंगे, 30 प्रश्न हो जाएंगे, और यह कितने अंक 4 के लिए, अंक चार के लिए हमारे पास कितने 30 प्रश्न हो जाएंगे, तो इन्हीं में से आपको पेपर में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 हो गए हमारा। 6ठा प्रश्न है हमारा, खुरपका और मुँह पका रोग के कारण उद्भवन काल एवं 2 लक्षण लिखिए, ठीक है दोस्तों। जो खुरपका और जो मुँह पका रोग होते हैं उनके कारण लिखने किस कारण होते हैं, और उद्भवन ये काल एवं 2 लक्षण भी बताने के, जो जो रोग होते हैं तब कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो लक्षण के साथ साथ हमें कारण भी देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा 7वां प्रश्न देखते हैं, खुरपका मुँह पका रोग की पहचान के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो जो खुरपका और मुँह पका रोग होते हैं उनकी जो पहचान के लिए हमें 4 प्रमुख लक्षण लिखने हैं, तो 4 कितने, 4 ओनली 4 लक्षण लिखने हैं हमको। जो खुरपका जिसका लक्षण होते हैं पहचान के लिए, जब कोई को हो जाता है खुरपका मुँह पका रोग, तो इसकी हम पहचान किस प्रकार करते हैं, तो उसके लिए हमें यह लिखना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा, तो हमें ये हमारा प्रश्न है, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कौन सी 4 सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो प्रतिदिन हम कौन सी सावधानी रखते हैं, अगर आपको पशु पशु होंगे तो आपको पता ही होगा, तो इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है ज़्यादा, अगर आप समझते हैं, समझ कर भी आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा 9वां प्रश्न है, संघनित दूध के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो जो संघनित दूध होता है उसके हमें कोई 4 उपयोग लिखने हैं, अंक 4 के लिए देख रहे हैं, तो आपको कम 5 याद कर लीजिए, लेकिन आपको पेपर में 4 ही लिखनी है, कुछ 4 उपयोग, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 10 देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे हम कोई भी डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10वां, संघनित दूध की परिभाषा और 4 विशेषताएं लिखिए। तो संघनित दूध की परिभाषा भी इसमें लिखनी है और 4 विशेषताएं लिखनी है साथ ही साथ, यह प्रश्न क्रमांक 10 है। तो दोस्तों यही थे क्लास 12th के लिए पशुपालन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 की परीक्षा के लिए, यह कौन सा है, यह हमारा कितना पार्ट 1 है, ठीक है दोस्तों, क्या है पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा आएगा पार्ट 2, उसमें कितने, उसमें भी हमारे 10 प्रश्न होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आएगा हमारा पार्ट 3, उसमें भी हमारे 10 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। और यह कितने अंक 4 के लिए,
उसके बाद हम आपको अंक पाँच के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कैसे अंक पाँच के साथ ही साथ अंक दो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, और आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उनकी भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।